खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के संयोजक चुन लिए गए हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। पंकज गुप्ता को सचिव और राज्यसभा सांसद, एनडी गुप्ता को पार्टी का कोषाध्यक्ष चुना गया है। केजरीवाल सहित इन तीनों पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 साल का होगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का लगातार 3री बार राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। दरअसल इस साल की शुरुआत में पार्टी के संविधान को संशोधित करके कई बदलाव किए गए थे। संविधान में पहले कहा गया था कि कोई भी सदस्य एक पदाधिकारी के रूप में एक ही पद पर 3-3 साल के लगातार 2 कार्यकाल से अधिक नहीं रहेगा, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया था। बता दें कि अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी अहम हैं। पार्टी पंजाब में मुख्य विपक्षी दल है और इस बार चुनाव में वो जीत का दावा कर रही है। इसके अलावा पार्टी उत्तराखंड में भी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अगले ही साल गोवा और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां से पार्टी को काफ़ी उम्मीदें हैं। सूरत के स्थानीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कई बड़ी हस्तियां आम आदमी पार्टी में पिछले कुछ दिनों में शामिल भी हो चुकी हैं। सब्सक्राइब करें एबी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।